बताएंगे। आज की गिरावट सिर्फ आज तक ही सीमित है, क्रिटिकल सपोर्ट्स तो नहीं टूटे। दूसरा, जिनके पास पोजीशंस हैं वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जी नमस्कार। देखिए, बाजार का ओवरऑल स्टेंस पॉजिटिव रहा है पिछले कुछ दिनों से। निफ्टी ने 20,000 के फिगर को जस्ट मात्र 9 अंकों की दूरी से टच किया है। आप देखोगे आज जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं इंफोसिस की वजह से, और उस गिरावट के बावजूद भी विक्स में कोई स्पाइक नहीं देख रहा है, तो उसका इंडिकेशन तो यही है कि वहां पे सपोर्ट बेस बाइंग बनेंगे जरूर। इंडेक्स ने पिछले जो 5-6 दिन से हायर लोज बन रहे थे वो हायर लोज के सिक्वेंस को निगेट किए, बट उसके बावजूद भी वीकली चार्ट सेटअप अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति को यहाँ पे बरकरार रखेंगे। हमारा मानना है कि 19,650 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, तो इस डिक्लाइन पे 19,650 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, और ऊपर में जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास का है। ओके ठीक है, यानी कि आप फिर से कहते हैं कि 20,000 स्पॉट आ जाएगा, हालांकि फ्यूचर जुलाई वाले छोड़ के अगस्त के और सितंबर के फ्यूचर 20,000 लग चुके हैं, लेकिन अभी भी आप स्पॉट के हिसाब से देख रहे हैं तो 20,000 लगना बाकी था, इसलिए 20,000 लग सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। आप डाउन पे खरीदारी कर सकते हैं, जैसे आज मौका मिला है, अब आपके लिए स्टॉप लॉस 650 का है, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना, चरणबद्ध तरीके से मूव पर आए हैं, ऐसे ही हमारे सपोर्ट्स अब बनेंगे जो हम रेजिस्टेंसेस पार करके आए हैं। पहले ये पार नहीं होता था, 19,500-19,600 पार हुआ तो सपोर्ट बन गया, तो अभी आपके लिए ना ही ट्रेंड रिवर्सल है ना ही मार्केट के अंदर फटीक है, ये जो रीजंस हैं वो रीजंस मार्केट के अंदर कई बार अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी आ जाते हैं।